हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टेक्निकल गुरुजी। इस चैनल के अंतर्गत हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आए तो लाइक करें एंड नई वीडियोज की अपडेट्स के लिए घंटी वाले बटन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में क्या फर्क है और मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जर्नलिज्म क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मास कम्युनिकेशन से। तो दोस्तों, एक बार इमेजिन करके देखिए, आपके पास कोई भी अपडेट नहीं है दुनिया की, आपके पास कोई भी न्यूज सोर्स नहीं है, कोई भी एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं है। आपको अंदाजा लग चुका होगा एक मिनट सोच के कि मास कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी दुनिया में। दुनिया में आंधी की तरह डेवलपमेंट चल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है मास कम्युनिकेशन का। मास कम्युनिकेशन, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। रेडियो, टीवी, न्यूज, मैगजीन्स, सोशल मीडिया, फिल्म्स, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कोई भी मैसेज देता हो, कोई भी ओपिनियन देता हो, कोई भी एंटरटेनमेंट का सोर्स हो ढेर सारे लोगों के लिए, उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, कंटेंट राइटिंग और भी बहुत सारी चीजें मास कम्युनिकेशन के अंडर में आती हैं। टॉप कॉलेजेस इन इंडिया फॉर मास कम्युनिकेशन, फर्स्ट मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, पी कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे, विल्सन कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी, हिंदुजा कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी, जय हिंद कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस सेंटर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, केजे सौम्य कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी। नाउ करियर अपॉर्चुनिटीज इन मास कम्युनिकेशन, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग, फिल्म मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, पब्लिक रिलेशन, रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी, जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग एंड डेवलपमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग, क्रिएटिव डायरेक्शन, साउंड मिक्सिंग एंड रिकॉर्डिंग। नाउ सम टॉप रिक्रूटर्स इन मार्केट फॉर मास कम्युनिकेशन, PR एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, मीडिया हाउस, न्यूज़पेपर, टीवी एंड रेडियो, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज। नाउ टर्न जर्नलिज्म, जर्नलिज्म ज्यादातर न्यूज के आसपास रहता है, चाहे वो न्यूज बिजनेस की हो, साइंस की हो, इकोनॉमिक्स की हो, पॉलिटिक्स की हो, स्पोर्ट्स की हो या एंटरटेनमेंट की हो, कोई भी न्यूज हो, जर्नलिज्म उसके पास आसपास रहता है। और मेनली हमारे पास जो मीडिया है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्रिंट मीडिया जिसके अंदर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रिक मीडिया जिसके अंदर टीवी, रेडियो, इंटरनेट ये सब आते हैं। मीन्स द मेन डिफरेंस इज दैट कि मास कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला है और उसके अंदर जो फील्ड्स हैं उसमें से एक फील्ड जर्नलिज्म है, राइट। सम टॉप कॉलेजेस इन इंडिया फॉर जर्नलिज्म, नंबर वन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, APJ Institute of Mass Communication, New Delhi, Symbiosis Center of Media and Communication, Pune, Indian Institute of Journalism and New Media, Bangalore, Christ University, Bangalore, Lady Shri Ram College, Delhi University, Delhi College of Arts and Commerce, Delhi University, Kamala Nehru College, Delhi University, Madras Christian College, Chennai, Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, Mithibai College, Mumbai University, Times School of Journalism, New Delhi, KJ Soumya College, Mumbai University. Career opportunities in journalism. Number 1. TV News Reporter, News Editor, Proofreader, Content Developer, Digital Media Journalist, News Presenter, Photojournalist, Translator, कैमरा मैनेजर, क्रिएटिव डिजाइनर, रिसर्च प्रोड्यूसर, सेट मैनेजर। सम टॉप रिक्रूटर्स इन द मार्केट फॉर जर्नलिज्म आर न्यूज़ चैनल्स लाइक NDTV, आज तक, CNN, BBC एक्सेट्रा, न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदुस्तान टाइम्स,
टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एक्सेट्रा, मैगजीन्स लाइक इंडिया टुडे, आउटलुक, फ्रंटलाइन मैगजीन एक्सेट्रा, जर्नल्स लाइक द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द फ्री प्रेस जर्नल्स एक्सेट्रा, मीडिया हाउस लाइक PVR सिनेमा, जी एंटरटेनमेंट, बिग सिनेमाज, बालाजी एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, रेडियो स्टेशन लाइक रेडियो मिर्ची, रेडियो FM, बिग FM एक्सेट्रा, ब्रॉडकास्ट कंपनीज लाइक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग हाउस. Here, a few most common courses for mass communication and journalism. Number 1, BJMC, Bachelor of Journalism and Mass Communication. Second, BMMC, Bachelor of Multimedia and Mass Communication. Third, BMC, Bachelor in Mass Communication. Fourth, BA, Mass Communication, Bachelor of Arts in Mass Communication. BJ, Bachelor in Journalism. BA Journalism, Bachelor of Arts in Journalism. BSMC, Bachelor of Science in Mass Communication. Now turn pros and cons of a career in mass communication. So first of all, pros. Number 1, opportunity to work under with the creative, well-educated people. Number 2, scope of mass media as field is increasing and there is never dearth of job opportunity. Number 3, one gets the taste of recognition, fame and money. Number 4, the person who gets travel by work. Means आपको खूब सारी ट्रैवलिंग करने को मिलेगी, इसमें आपको फेम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको वेल एजुकेटेड लोगों के साथ काम करने का एक मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और इसके कॉन्स, नंबर 1, इन्वॉल्व्स हेक्टिक शेड्यूल एंड अनसर्टेन वर्किंग टाइमिंग. इसमें शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक होता है और टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं होता है, जिस टाइम शूट होगा उस टाइम आपको जाना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, द फील्ड में इफेक्ट पर्सनल लाइफ. उसमें कभी कभी ये फील्ड जो है आपको पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग थोड़ी फिक्स नहीं होती है. अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है मास कम्युनिकेशन क्या होता है और जर्नलिज्म क्या होता है. और एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको जर्नलिस्ट बनना है तो आप जर्नलिज्म चूज कीजिए. बट अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, आपको सिर्फ आपने यही डिसाइड किया है कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो आप मास कम्युनिकेशन चूज कीजिए. क्योंकि मास कम्युनिकेशन में आपको नंबर ऑफ स्किल्स का एक अम्ब्रेला मिलेगा, बट इन जर्नलिज्म आपको एक स्ट्रिक्ट मिलेगी. सो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चूज करते हैं. थैंक यू सो मच. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब. यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और दोस्तों कमेंट करके बोलिए अपना थॉट, अपना ओपिनियन.